हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नई सीरीज़ में। अभी मैं जा रहा हूँ हनोई, वियतनाम। इससे पहले हम गए थे हो ची मिन सिटी, जो भी वियतनाम में ही थी। अभी हम जा रहे हैं हनोई, और अभी मैं हूँ सिंगापुर के चंगी एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 4 पे। और टर्मिनल 4 पे ही ज़्यादातर जो बजट एयरलाइंस होती है वो यहीं से ही टेक ऑफ करती है। तो हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारी फ़्लाइट है 3 बजे की दोपहर को, और अभी बजे हैं 12:30। तो अभी हमारा चेक इन तो चालू हो गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का टर्मिनल 4 कैसा है। अगर आपको टर्मिनल 4 पे आना है तो आपको टर्मिनल 3 पर जाना पड़ेगा, और वहाँ से डायरेक्ट सफल बस होती है, सटल बस होती है, तो यहाँ पे आपको लेकर आती है। अभी इस बार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मेरे पापा के साथ। ये है मेरे पापा। तो हमारी ये पहली ट्रिप है जो हम अकेले करने वाले हैं, बाकी तो हम फैमिली के साथ ही जाते हैं कहीं पे भी, या तो फिर मैं मेरे दोस्तों के साथ जाता हूँ। पर इस बार मैंने सोचा कि चलो पापा सिंगापुर आए हैं, तो चलो उनको वियतनाम घुमा कर लाए। तो अभी हम चेक इन करने जाते हैं, फिर इमिग्रेशन ख़त्म करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या आप क्वेश्चन मेरे पापा को पूछा गया, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म वीज़ा पे और वो इंडियन पासपोर्ट पे है। तो चलिए मिलते हैं इमिग्रेशन के बाद। अभी हमारा इमिग्रेशन भी हो गया है और हमारा सिक्योरिटी चेक भी हो गया है। मेरे पापा को भी शॉर्ट टर्म वीज़ा पे आए हैं, तो उनको भी क्या है कि मैनुअल इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाके नहीं करना पड़ा, क्योंकि उनका ऑटोमेटिकली सब सिस्टम में है, तो इनके लिए भी डायरेक्ट ऑटोमेटेड मशीन से ही इमिग्रेशन हो गया। तो सिर्फ 5 मिनट लगा। पापा कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस? एकदम इजीली, इंडिया से बहुत बढ़िया, बेटर, एकदम बेहतर लगा उनको। ना तो कोई सवाल ना कोई जवाब, क्योंकि ऑटोमेटिक हो रहा है सब कुछ यहाँ पे। ये है यहाँ का ड्यूटी फ्री। आज वीकडे है तो यहाँ पे इतनी कुछ रश नहीं है, बाकी वीकेंड के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारी फ्लाइट्स होती है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर भी है, तो अगर आपको कोई हाईफाई या कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये है यहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट। ये एयरपोर्ट अभी, ये जो टर्मिनल है वो अभी अभी ही बना है, लगभग 3-4 साल हुए हैं, और ये सिर्फ बजट एयरलाइंस के लिए है। तो आप यहाँ पे अपना शांति से जो फ्री टाइम है वो यहाँ पे बिता सकते हैं। यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे बैठ के चार्जिंग भी कर सकते हैं अपने मोबाइल या जो कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो। ये सिंगापुर का जो लोकल जो क्या बोलते हैं उसको, जो ओल्ड हाउसेस थे ना वो ऐसे ही दिखते थे, तो उसका हिसाब से यहाँ पे कुछ रिनोवेट किया है, और नीचे शॉप्स है, ऊपर रहने का है, और यहाँ पे है हमारा गेट। हमारा बोर्डिंग गेट ओपन हो चुका है, तो अभी हम डिपार्चर के लिए रेडी है। Thank you. No problem. सब कुछ ऑटोमेटिक है। बोर्डिंग स्कैन करो, फोटो स्कैन करो अपना फेस, और ऑटोमेटिकली बोर्डिंग हो जाएगा। यह है हमारा प्लेन।
एक छोटा सा हार्ट अटैक आते आते रह गया। मेरा बोर्डिंग पास गुम हो गया था, मैंने पिछली जेब में रखा था तो पासपोर्ट में से निकल गया था और गिर गया था। फिर मेरे को वापस जाना पड़ा और हाफ वे में नीचे पड़ा हुआ मिला मुझे रास्ते में। स्वागत है आपका हनोई एयरपोर्ट पे। अभी हमारा प्लेन लैंड हुआ है और हम जा रहे हैं इमिग्रेशन की ओर। मेरा सिर्फ एक ही बैगेज है जो हैंड लगेज है, तो कोई चेक इन बैगेज है नहीं, तो इसके लिए मैं सिर्फ हैंड लगेज लेकर बस की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ से हमको बस पकड़नी है। हमारा इमिग्रेशन हो चुका है और हम एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं और मेरे पापा को पूछता हूँ कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। पापा कैसा रहा एक्सपीरियंस? एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। जैसे मैंने अभी दिया, जैसे पासपोर्ट और मेरा वीज़ा दिया कि तुरंत उन्होंने देखा, पासपोर्ट से मेरा शक्ल मिलाया और थप्पा लगा के जाओ, एकदम ईजी। बहुत ही एकदम इजी है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना तो कोई आपसे टिकट मांगता है ना कुछ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगता है। सो एकदम इजी इमिग्रेशन रहा। अभी हमको बस पकड़नी है 86 नंबर की बस जो डायरेक्ट हमको मेरे होटल के नज़दीक पहुंचाएगी और वो लोकेशन है ओल्ड क्वार्टर होम करके कुछ जगह है, वहाँ पर हमको उतारेगी। तो अभी मैं देखता हूँ कि बस कहाँ से मिलेगी। यहाँ पे टर्मिनल 2 पे राइट साइड पे जाएंगे तो आपको बस मिलेगी। तो ये है एयरपोर्ट, यहाँ से हम टर्मिनल 2 से बाहर निकले और जैसे ही आप बाहर आओगे यहाँ पे 86 नंबर की बस होगी, वो डायरेक्ट आपको सिटी सेंटर लेकर जाएगी और उसकी प्राइस है 45,000। बस एयर कंडीशन वाली है, अच्छी है बस। ये हमारा बस जिस बस में हम आए और यहाँ से बहुत नज़दीक है हमारा होटल जो कि सिर्फ 1 किलोमीटर जैसा है। अभी हम पहुँच चुके हैं हमारी होटल वेरिस ऐसा कुछ नाम है। तो ये है हमारा रूम 303। ये है बेडरूम, ये है बहुत बड़ा कबर्ड। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है और अंडर बियर भी है पर वो चार्जेबल होगी। इसके अंदर लॉकर है तो पासपोर्ट इसमें रख सकते हैं, पर जब आप होटल में हो तब, जब होटल से बाहर निकलो पासपोर्ट लेना मत भूलिएगा। और ये है दूसरा कबर्ड, सेम ही है। ये है बाथरूम, ये रूम का रेंट है
$23 पर नाइट। तो हम चार नाइट रुकने वाले हैं और संडे को सुबह को चले जाएंगे। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मैं रात को जब नहा धो के हम निकलेंगे तब नाइट मार्केट के लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा।